जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज की महारिवीजन की ये तीसरी वीडियो है। चैनल पर नए आए हैं, पहली और दूसरी वीडियो महारिवीजन की नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जनरल इंग्लिश के चले जाइएगा, तो वहाँ से आपको जो पिछली वीडियोज हैं वो मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। तो चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ़ यू डिडंट नो द रिसिपियंट्स नेम हाउ वुड यू एड्रेस द पर्सन। तो कहने का मतलब, अगर आप जो है रिसिपियंट्स का नेम जो है नहीं जानते हैं तो हाउ वुड यू एड्रेस द पर्सन, पर्सन को जो है आप कैसे एड्रेस करेंगे, है ना। तो ऑप्शन है आपके सामने, ए है डियर मिस्टर एंड मिसेस, बी है डियर सर और मैडम, सी है डियर और डी है हेलो। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन, डियर सर और मैडम। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, द एड्रेस ऑफ द पर्सन और कंपनी टू हुम द लेटर इज बीइंग सेंट इज रिटन ऑन। ऑप्शन है आपके सामने, द लेफ्ट साइड हैंड, बी है बिलो द हैंड, सी है इन द एंड और डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, द लेफ्ट साइड हैंड। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्र सरकार ने सन 2009 में सीबीआई के कितने अतिरिक्त विशेष न्यायालयों के गठन को मंजूरी दी? 71। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत लोकहितवाद की सुनवाई सीधे उच्चतम न्यायालय में करने का प्रचलन निम्नलिखित में किस न्यायमूर्ति द्वारा आरंभ किया गया? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शंस हैं, न्यायमूर्ति ए के सरकार हैं, बी है न्यायमूर्ति ए एन रे हैं, सी है न्यायमूर्ति पी एन भगवती और डी है न्यायमूर्ति आर एस पाठक। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, न्यायमूर्ति पी एन भगवती। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व के सर्वप्रथम लोकहितवाद की शुरुआत किस देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई? ऑप्शन है आपके सामने, भारत, बी है अमेरिका, सी है ब्रिटेन और डी है चीन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, पंथ निरपेक्ष राज्य में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता होती है? ऑप्शन है आपके सामने, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता और वह धार्मिक मामलों में तटस्थ होता है, बी है राज्य अपने नागरिकों से धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है और सी है धर्म के विकास व धार्मिक आस्था पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है और डी है ये सभी विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पंथ निरपेक्षता कैसी विचारधारा है? ऑप्शन है आपके सामने, भौतिकवादी, बी है आर्थिक, सी है सामाजिक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, भौतिकवादी। क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट वे टू क्लोज द लेटर ऑफ योर फ्रेंड। ऑप्शन है आपके सामने, योर फेथफुली, बी है योर्स अफेक्शनली, बी है योर्स ओबीडियंटली, सी है योर्स ट्रूली। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, योर अफेक्शनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यू राइट ए लेटर टू अप्लाई फॉर ए जॉब टू मेक ए कंप्लेंट्स टू ऑर्डर गुड्स टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर टू आस्क फॉर अपॉइंटमेंट टू आस्क फॉर समवन और टू इनवाइट समवन, सच लेटर इज नोन एज। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है, इनफॉर्मल लेटर है, बी फॉर्मल लेटर है, सी ए एंड बी बोथ आर करेक्ट है, डी नॉन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, फॉर्मल लेटर। क्वेश्चन नंबर 10, किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत समाहित है? ऑप्शन है आपके सामने, अनुच्छेद 10, बी है अनुच्छेद 14, सी है अनुच्छेद 18, डी है अनुच्छेद 22।
तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 11, नैसर्गिक न्याय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आप सामने प्राकृतिक न्याय, बी है दैवीय न्याय, सी सार्वभौमिक न्याय और डी है ये सभी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लोकहितवाद से संबंधित विधि को पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर दिया? ऑप्शन है आपके सामने एसपी गुप्ता एवं अन्य बनाम भारत संघ एयर 1982 एससी 149, बी है मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल्ला भाई एयर 196 एससी, सी है पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ एयर 1980 एससी 1579 और डी है बंधुआ मुक्ता मोर्चा बनाम भारत एयर 1982 एससी 808। तो यहाँ 12 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा, एसपी गुप्ता एवं अन्य बनाम भारत संघ एयर 1982 एससी 149। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सन 1976 में संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंथनिरपेक्षता को संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने 40वें संविधान संशोधन, बी है 42वें, सी 44वें और डी है 46वें। तो 13 में आपका बी ऑप्शन सही होगा, 42वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीन काल में जान के बदले जान ली जाती थी, इसे क्या कहते थे? ऑप्शन है आपके सामने मृत्युदंड, बी है लॉ ऑफ मोजेज, सी है जैसे को तैसा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 14 में आपका डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, इफ यू राइट ए लेटर टू ए पर्सन मिस्टर जोन्स हु इज अननोन टू यू, व्हाट शुड बी द सब्सक्रिप्शन? ए है आपके सामने डियर मिस्टर जोन्स, बी है योर्स ट्रूली, सी योर्स ओबीडियंटली, डी योर्स अफेक्शनली। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन से होगा, बी योर्स ट्रूली। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वुड यू से इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्मल लेटर्स? ऑप्शन है आपके सामने आस्क हाउ गुड द वेदर इन योर रिसिपिएंट सिटी, बी है टॉक अबाउट हाउ गुड द वेदर इन योर सिटी, आस्क द रिसिपिएंट इफ ही सी इज हेल्थी और नॉट, डी है इन्फॉर्म द रिसिपिएंट व्हाई आर राइटिंग द लेटर यू। यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 में आपका डी ऑप्शन सही होगा, इन्फॉर्म द रिसिपिएंट व्हाई आर राइटिंग द लेटर यू। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत देश के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं? ऑप्शन है आपके सामने अनुच्छेद 140, बी है अनुच्छेद 141, सी है अनुच्छेद 143 और डी है अनुच्छेद 146। तो यहाँ पर 17 में आपका बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 141। क्वेश्चन नंबर 18, विधि का यह मूलभूत सिद्धांत है कि प्रत्येक फ्रेडोडट विधि का विधि जानता है? ऑप्शन है आपके सामने वकील, बी है न्यायाधीश, सी व्यक्ति और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 19, ऑलवेज यूज डॉट डॉट व्हेन राइटिंग ए लेटर। ऑप्शन ऑप्शन है पैराग्राफ, बी डिफिकल्ट वर्ड्स, सी है रेड पेन और डी नॉट। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही होगा, पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 20, इन ए फॉर्मल लेटर राइटिंग व्हाट इज द नेम गिवन टू द एड्रेस एंड द डेट एट द टॉप? तो ऑप्शन है आपके सामने हेडिंग, बी क्लोजिंग, सी स्टार्टिंग, डी बॉडी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, हेडिंग। क्वेश्चन नंबर 21, आम जनता तक विधि की पहुँच होने के लिए यह आवश्यक है कि विधिक भाषा निम्न में से कैसी हो? ऑप्शन है आपके सामने सरल है, सुबोध है, बोधगम्य है, ये सभी हैं। तो यहाँ पर 21 में आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, पारदर्शी लोकतंत्र तथा विधि के शासन के लिए न्यायपालिका का निम्नलिखित में क्या होना अनिवार्य है? ऑप्शन है आपके सामने स्वतंत्रता, बी सशक्तता, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों, स्वतंत्रता और सशक्तता। तो आज के लिए बस इतना ही, चैनल पर नया है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।